आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम कोएंजाइम Q10 के बारे में बात करेंगे और इसके इफेक्ट इनफर्टिलिटी पे क्या होते हैं हम आज डिस्कस करेंगे। CoQ10 या कोएंजाइम Q10 एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आपका बॉडी फूड यानी कि खाना इस्तेमाल करता है, कहीं चोट लगी है तो उसे हील करता है, जैसे वो बॉडी को रिएक्ट करता है एनवायरमेंट यानी कि वातावरण से, एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है जिसे कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं ये सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और ये डैमेज का नाम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एंड इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एजिंग या कई बीमारियां हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ठीक पौष्टिक खाना खाइए, अगर प्रदूषित वातावरण है तो एक्सपोजर कम रखिए वगैरह। तो इसके कारण उम्र का बढ़ना या इलनेस, कोई भी बीमारी होना बहुत कॉमन होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपका बॉडी क्रिएट करता है नेचुरली खाने के द्वारा, और सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से ये जो फ्री रेडिकल्स है ये सेल्स को डैमेज करना कम हो सकता है क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है। तो CoQ10 एक ऐसा कंपाउंड है जो नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस करता है, मैंने कहा है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है आपके सेल का। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जैसे आपके स्कूल में बायोलॉजी क्लास में पढ़ाया होगा। ये बहुत आवश्यक होते हैं सेल ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और इनमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज भी होते हैं। तो नेचुरली जो CoQ10 प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में ये उम्र के साथ कम होता रहता है, और इसकी वजह से उम्र के साथ कम होता रहता है। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हर रोज आप ऐसा फूड खाएं या ऐसा खाना खाएं जिसकी वजह से CoQ10 जितना चाहिए उतना बरकरार रहे। सो आइए देखते हैं कि CoQ10 लेने से महिलाओं में क्या इफेक्ट होता है। अभी बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस है कि जिन औरतों में, जिन महिलाओं में लो ओवेरियन रिजर्व होता है, CoQ10 फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स, अक्सर ये DHEA नामक और एक सप्लीमेंट के साथ दिया जाता है, ये जो CoQ10 का सप्लीमेंट है ये आउटकम को इम्प्रूव कर सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी रेट को इम्प्रूव कर सकता है। स्टडीज ये भी कहते हैं कि CoQ10 अगर IVF के पहले दिया जाए, हायर चांस होता है कि आपके एम्ब्रियोज हेल्दी हों और आपको कम दवाइयाँ लगें, हायर प्रेगनेंसी रेट हो। अगर ये कंपेयर किया जाए उन साइकिल से जिनमें ये सब नहीं दिया गया तो सक्सेस रेट कम देखा गया, ये स्टडीज कहते हैं। कुछ स्टडीज ये भी बताते हैं कि CoQ10 और DHEA जब दोनों दिए जाएं तो एंट्रल फॉलिकल काउंट भी इम्प्रूव होता है। एंट्रल फॉलिकल काउंट ये होता है जो हर महीने ये दिखाता है कि कितने अंडे बड़े हो रहे हैं आपके ओवरीज में पीरियड के पहले। इनमें से एक ही अंडा रिलीज होता है, बट इससे हमें ये पता चलता है एंट्रल फॉलिकल काउंट से कि एग्स के नंबर ठीक है या नहीं ओवरीज में। तो अगर AFC एंट्रल फॉलिकुलर काउंट अच्छा हो, CoQ10 और DHEA दिया गया हो, तो मेडिकेशंस का रिस्पांस भी अच्छा होता है, यानी कि जितने मेडिकेशंस दिए जाएंगे उससे जो एंट्रल फॉलिकुलर काउंट दिख रहे हैं वो बढ़ेंगे और वो हम एग्स लेकर IVF या IUI कर सकते हैं। सो इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? स्टडीज बहुत सारे एनिमल्स पे किए गए हैं, स्पेशली माइस पर, जहाँ चूहों पर, जहाँ देखा गया है CoQ10 माइटोकॉन्ड्रिया को इम्प्रूव कर सकता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा होता है तो रिप्रोडक्टिव एजिंग भी कम होता है, यानी कि CoQ10 एक क्योर ऑल नहीं है, यानी कि CoQ10 के लेने से सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर ये जनरली सेफ है और एक ऐसे सप्लीमेंट्स का भाग है, स्पेशली DHEA के साथ अगर दिया जाए तो उससे देखा गया है कि एक क्वालिटी इम्प्रूव हो सकता है, एम्ब्रियोज इम्प्रूव हो सकते हैं और अवश्य आप अपना सक्सेस रेट भी बढ़ा सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अपने आप ये मेडिकेशन ना लीजिए, आपके गायनोकोलॉजिस्ट, क्लिनिशियन, फिजिशियन से संपर्क जरूर कीजिए, क्योंकि वो पहले आपको टेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अगर आपको ये इसकी ज़रूरत है या नहीं और किस मात्रा में आपको ये देना चाहिए जिससे इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।